Hello everyone, in this video we are going to map the continent of Europe. Now historically this has been a very important place because most of the colonial powers came from here only. So basically we need to look at some important countries as well as the physical features of this region. Alright, let's begin. Right, so first let us look at the political map of Europe. Yahan pe hum sabse important countries ko mark kar lete hain. Let us first start with the Scandinavian countries. Scandinavian countries actually 5 hain. Sabse pehle hai Finland, phir hai Sweden, then Norway, the 4th one is Denmark and the 5th one is Iceland. Uske baad pata hona chahiye aapko Baltic countries kaun si hain. Ye wo 3 countries hain jo ki Baltic Sea par hain. The names are Estonia, Latvia and Lithuania. So these are the Baltic countries. Right, so some other important countries, sabse pehle notice karo Ukraine, isi capital hai Kyiv. Then there is Poland, capital hai Warsaw. One of the most important countries as far as the world wars are concerned is Germany, jiski capital hai Berlin. Then there is Netherlands, capital is Amsterdam. France, one of the most famous countries in Europe, capital hai the famous city of Paris. Then Spain, capital is Madrid. And Portugal ki capital hai Lisbon. उसके बाद हमें देखना है इटली, इटली कैपिटल है रोम, एंड देन दिस इज ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस. फाइनली हमें देखना है ये वाला पोर्शन, दिस इज यूनाइटेड किंगडम. अब यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. यूनाइटेड किंगडम्स कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज, द फर्स्ट वन इज इंग्लैंड, देन स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. ऑल 4 ऑफ देम कंबाइंड टू बिकम यूके. लेकिन जब ब्रिटेन की बात होती है तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड काउंट नहीं होता है. दीज 3 कंट्रीज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स बिकम ब्रिटेन. और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. राइट, सो अब देखते हैं कुछ सराउंडिंग वाटर बॉडीज. सबसे पहले आपको नोटिस करना है ये है नॉर्वेजियन सी, दिस इज द बाल्टिक सी, दिस इज द नॉर्थ सी, एंड देन दिस इज द सेल्टिक सी, एंड देन दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस फाइनली इज द ब्लैक सी. अब बारी आती है फिजिकल फीचर्स की. लेट अस लुक एट द माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस रीजन. शुरुआत करते हैं स्पेनिश पेनिनसुला से. सो दीज आर द कैंटेब्रियन माउंटेन्स. ऑन द जंक्शन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन हमें मिलते हैं यहां पर पायरीन्स. नाउ पायरीन्स एंड कैंटेब्रियन माउंटेन्स आर ऑफ हर्शीनियन ओरिजिन. उसके बाद यहां पर मिलते हैं जूरा माउंटेन्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट. इन माउंटेन्स की खासियत यह है दैट दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. उसके बाद इटालियन पेनिनसुला में आपको मिलेंगे द एपेनिन्स. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इन दिस रीजन आर द एल्प्स. इधर आपको मिलते हैं डिनेरिक एल्प्स. और ग्रीस वाले पेनिनसुला में आपको मिलेंगे द पिंडूस माउंटेन्स. अब पिंडूस, डिनेरिक एल्प्स एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये आपको याद रखना है. और यहां पर आपको मिलेंगे कार्पेथीनियन माउंटेन्स. अब यूरोप के बिल्कुल जंक्शन पे आपको मिलेंगे कॉकेसस माउंटेन्स. दीज आर ऑल्सो ऑफ हर्शीनियन ओरिजिन. और फाइनली अगर हम नॉर्दर्न रीजन को देखें ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यहां पर आपको मिलेंगे जोलन माउंटेन्स. एंड दिस रीजन इज ऑफ द स्कैंडिनेवियन शील्ड. हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, शील्ड वो रीजन होता है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी ओल्ड डिपॉजिट. नाउ दीज आर द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स. अब यूरोप की मैपिंग में ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरली कम आते हैं. अगर आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया से आते हैं. सो यू मस्ट नो दीज माउंटेन रेंजेस एंड यू मस्ट कीप रिवाइजिंग दीज अगेन एंड अगेन. राइट, सो दिस वॉज द एंटायर मैपिंग ऑफ यूरोप. वी होप आपको अच्छे समझ में आया होगा. अगर नहीं आया प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.